हेलो नमस्कार दोस्तों, वीके व्लॉग चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हनुमान जी राठौड़ के फार्म हाउस पे, और तो आज काफी सारे मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनसे मिलते हैं, परिचय करते हैं। तो नमस्कार सर जी, कहाँ से आए सर? हाँ, बिहार सिंह में रूपा रेल ब्यावर, रूपा रेल गाँव है जी, और मकरेड़ा गाँव है, वहाँ से भी ये हमारे दोस्त आए हैं। सर गाँव से भी आए हैं जी। सर ब्यावर जिले से आए जी, तो आपका आने का पर्पज सर आज यहाँ पे? ये खाद जैविक खाद का हिसाब से और बकरियाँ के बीमारी के हिसाब से आए हुए। कैसे? अच्छा, बकरी पालन के बारे में जानने के लिए और वर्मी कंपोस्ट के बारे में जानने के लिए आए आप ये सर बताइए आप। हेलो नमस्ते, बायोफ इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इसकी मेन ऑफिस पूना है, और अभी हम यहाँ आपके अजमेर और ब्यावर में कि हमारे राठौड़ साहब ने ये जो ऑर्गेनिक खाद का बहुत बड़ा काम हमारी संस्था से ही सीखकर शुरू किया था। बायोफ नाम की संस्था का प्रोजेक्ट पास में कायड में समाधान प्रोजेक्ट के अंतर्गत चल रहा है, और शुरुआत में इन्होंने बहुत छोटे पैमाने पे मात्र 500 रुपये में केचुए खरीद कर आज उन्होंने इस चीज को इस तरीके से समझा कि आज हमारी खेती में अगर ऑर्गेनिक खाद का उपयोग किया जावे तो उन्होंने आज केचुए के बारे में इतनी अच्छी वैज्ञानिक पद्धति से जानकारी प्राप्त करके और खुद ने प्रत्यक्ष रूप से अपने वहाँ इतने अच्छे बेड बना के हर 2 महीने में बहुत सारा ये केचुआ खाद तैयार करके आसपास के गांवों में प्लस बहुत सारे दूसरे राज्यों में भी आज इनका प्रसारण और संदेश गया है, और इस वजह से आज वो खुद की खेती में तो ये ऑर्गेनिक खाद केचुए के रूप में उपयोग कर ही रहे, लेकिन जो भी कोई अजमेर या बाहर की डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं इनको इतना मोटिवेट करते हैं कि भाई आप भी आज रासायनिक खाद का उपयोग अपनी फसलों में कम करिए और एक जैविक खाद का उपयोग ज्यादा करिए। इससे क्या होगा कि हमारी जमीन की जो उत्पादन शक्ति है वो निरंतर बनी रहेगी। दूसरी बात क्या है कि आज की खेती में जो बहुत सारी लागत आती है इसमें मेन है बीज और खाद। अगर खाद हम स्वयं तैयार करने लग गए इस पद्धति से तो काश्तकार की जो पर यूनिट जो लागत आती है उसमें बहुत कम आएगी। साथ में एक दूसरी और बड़ी बात जो है कि आज के मनुष्य जीवन को हर तरह से अगर खाद्य पदार्थ में चाहे सब्जी हो चाहे हमारा दूसरा अनाज हो, अगर इसमें कम से कम रासायनिक खाद से पैदावार वाली खाने की जो उपज है या जो भी वस्तु मिलती है तो इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। और ये हमारे जैसे गैर सरकारी संगठन आज कई जिलों में, आज हमारा बायफ जो है राजस्थान में 22 जिलों में काम कर रहा है, जिसमें मेन काम हमारा पशु संवर्धन का है। बड़े पशुओं का भी हम आर्टिफिशियल इंसिमेशन से डेवलपमेंट कर रहे हैं। कई कंपनियां बायफ के साथ जुड़ के आज सपोर्ट से हम हमारे ग्रामीण विकास में जो भी हमारे किसान है उन किसानों को बायफ अनेक तरह की परियोजना से लाभान्वित कर रही है। आज एक ऐसा एग्जाम्पल आपके सामने जहां हम खड़े हैं कि चाचियावास गांव में हमारा एक बेनिफिशियरी हमारे राठौड़ साहब जुड़ने के बाद आज हम 5 साल के बाद जो प्रभाव देख रहे हैं कि नहीं, हम हमारे किसान को अगर इस तरह का ज्ञान देते हैं और अगर इनकी स्किल बढ़ाते हैं तो काश्तकार स्वयं अपने खुद के मेहनत से बहुत आगे प्रगति कर सकता है और स्वावलंबन बन सकता है। तो बाकी आप सर सभी लोग ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हैं सर? आप सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं? नहीं, जुड़े नहीं है अभी। जुड़े नहीं? अच्छा, अभी मतलब आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो आप? आज हमारे को गरीब आदमी अतरी टाइम नहीं है क्योंकि मजबूरी करना पड़ता है, पर बोला के आज ऐसा सोचो जो अच्छी तरह से समझाएगा या अच्छा कोई फल मिलेगा ये अपन सक्सेस हो सकते हैं, है ना गरीब आदमी, तो इसलिए हमने भी बता रहे। तो आप मतलब अच्छी शिक्षा होगा तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं, है ना सर? सही है। जो हमारे तो गरीब आदमी, हम अनपढ़ आदमी, मतलब हमारे आड़ी भी खड़ी दिख रही है, पढ़े लिखे आगे दिमाग लगा सकते हैं। हम अजड़ा आदमी अजड़ दिंदा नहीं करेगा फिर क्या खाएगा? हम तो भेड़ बकरी से ही काम चलाते हैं जी। आप स्पेशली भेड़ पालन का, बकरी पालन का काम करते हो? भेड़ पालन का। तो आज आप यहाँ पे मतलब ये सब कुछ इसीलिए आए हैं एक्सप्लोर करने के लिए? तो इसलिए आया, पर ये खाद का भी बताया ना तो हमारे अच्छा दिमाग में बैठा। ये जो वर्मी कम्पोस्ट का, ये हमारे अच्छा दिमाग में बैठा भाई को बोला ना कि यूरिया खाद से ये डीएपी खाद से ये जमीन फ्रेश हो जाती है ना। तो हम एक किसान है गरीब आदमी, पर हमारे नहीं 100 से पेड़ है अब आज, पर तो भी सक्सेस नहीं होते। खाद डाल दिया उसमें, ने वो डीएपी भी डाल दिया, यूरिया भी डाल दिया, भाई थोड़ा दिन फसल अच्छी आएगा, पर वो जैसे आप चाहते जैसे नहीं होती है। तो इसलिए हमने भी आपके दर्शन पाए, अच्छी अकल हमारे भी पल्ले पड़ेगी तो कुछ हम ही देखेंगे। सही है, ठीक है सर।
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ठीक है दोस्तों, आज ब्यावर से पूरी टीम आई है और हमने इनसे बातचीत की वर्मी कंपोस्ट और बकरी पालन के बारे में। ये हनुमान सिंह जी से यहाँ पे अपने आए इनके फार्म पे। तो ठीक है दोस्तों, हनुमान सिंह जी के साथ में एक अपना पूरा कंप्लीट वीडियो चैनल पे रखा हुआ है, उसके अंदर आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में और अच्छे से जान सकते हो। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।